हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है कि जो जो स्कल बोन्स होती है, ठीक है, उनमें जो पैरानेजल साइनसेज होते हैं, ठीक है, जो साइनसेज होते हैं या जो एयर फिल्ड कैविटीज़ होती है बोन्स के अंदर, स्कल बोन्स के अंदर, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? साइनोसाइटिस। ओके, पैरानेजल साइनसिस में, ठीक है, इसको राइनोसाइनोसाइटिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेकेंडरी होता है किसके? राइनाइटिस के, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था राइनाइटिस में, कि राइनाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है किसका? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़, ठीक है। तो जो नोज़ होती है, नोज़ में क्या होता है, जो ये साइनस है वो कहाँ ओपन होते हैं? यहाँ पे नोज़ में, ठीक है। तो सपोज़ अगर ये जो नोज़ है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो रखा है, तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन यहाँ पे स्प्रेड होने के चांस भी होंगे। इसलिए ये सेकेंडरी होता है किसके? राइनाइटिस के। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद इसकी कॉजेज़ की बात करें तो वही कॉज हो सकती है इसकी, वायरल इन्फेक्शन, लाइक जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था राइनाइटिस में होती है, जो राइनो वायरस, एडिनो एंड कोरोना वायरस। ओके, और इसके अलावा बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कॉज हो सकती है एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। अगर किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर इन्फेक्शन या सॉरी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस तो वो भी साइनोसाइटिस कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो क्या होता है कि जो साइनसेज होते हैं, ये एयर फील्ड स्पेस होते हैं, ये आपको पता है, स्कल बोन्स में साइनसेज प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब होता क्या है, ठीक है, जो राइनाइटिस की कंडीशन हुई है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा होगा, ठीक है। ये जो नोज है, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन एराइज होगी? एडिमा, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइनसेस यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, जो ये साइनस यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे एडिमा की वजह, यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें एडिमा की वजह से इनकी जो ओपनिंग है, जो साइनसेस की जो ओपनिंग है, ये क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन है, एडिमा कंडीशन है, तो जो साइनसेस जो ओपन होते हैं नोज के अंदर, उनकी ओपनिंग क्या हो जाएगी? एडिमा की वजह से ब्लॉक हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, ब्लॉकेज की वजह से जो म्यूकस ड्रेनेज है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, जो ब्लॉकेज हुआ है ओपनिंग्स में एडिमा की वजह से, उसकी वजह से म्यूकस का जो सी ड्रेनेज है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे जो, ठीक है, ये जो साइनस है, इनके अंदर अगर यहाँ पे ओपनिंग पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो जो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इनके अंदर, ठीक है, साइनसेस के अंदर, इनमें से जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो म्यूकस बाहर नहीं जा पाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जो म्यूकस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये बाहर यहाँ से नहीं जा पाएगा ओपनिंग ब्लॉक होने की वजह से। तो क्या होगा, ये जो म्यूकस है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ जमा होने लग जाएगा। कहाँ जमा होने लग जाएगा? साइनसेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये म्यूकस जमा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांस होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन, ठीक है। और अगर साइनसेस में इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? साइनोसाइटिस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, इसके बाद इसके साइनस सिम्टम्स की बात करें, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो इनके साइनसेस की बेस पे दिखेंगे। लाइक जो साइनस होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं, फ्रंटल साइनस जो फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होते हैं,
ओके, मैक्सिलरी साइनस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिलरी बोन में, एथमोइडल साइनस एथमोइड बोन में, एंड स्फेनोइडल साइनस कहाँ? स्फेनोइड बोन में। सो सपोज अगर इन्फ्लामेशन मैक्सिलरी साइनस में हुआ है तो क्या होगा? पेन या प्रेशर कहाँ फील होगा? मैक्सिलरी एरिया में, या जो मैक्सिलरी बोन है उसमें पेन या प्रेशर फील होगा। ठीक है, तो कहाँ पे पेन देखने को मिलेगा? या तो चीक्स में देखने को मिलेगा, गालों में, जो में, जबड़ों में, गम्स में, एंड टीथ में। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद अगर फ्रंटल साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है तो पेन या प्रेशर कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रंटल एरिया में। ठीक है, और पेशेंट को क्या फील होगा? फ्रंटल हेडेक होगा। ठीक है, यानी कि पेशेंट को जो ऊपर अपना जो फ्रंटल एरिया होता है, यहाँ पे पेशेंट को हेडेक होगा। ओके, पेन फील होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर एथमोइड साइनस में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पेन और प्रेशर कहाँ फील होगा? ब्रिजेज ऑफ नोज, यानी कि जो दोनों आईज या आँखों के बीच में जो नोज का पार्ट होता है, जो ब्रिज होता है, यहाँ पे पेशेंट को पेन फील होगा। ओके, अगर लास्ट जो स्फिनोइडल साइनस में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो पेन या प्रेशर कहाँ फील होगा पेशेंट को? बिहाइंड द आईज, क्योंकि स्फिनोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? बिहाइंड द आईज। ओके, सो ये इसके जो साइनस है उनके बेस पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, लाइक से डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। अगर म्यूकोस मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो रखा है नोज या साइनस कैविटी में, तो उस वजह से क्या होगा कि प्रॉपरली सेंसेशन वर्क नहीं कर पाएंगे। कौन से? स्मेल सेंसेशन। ठीक है, इसकी वजह से सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी। ओके, सेकंड इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? सोर थ्रोट, यानी पेशेंट का गला खराब रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? बेड ब्रीथ, यानी पेशेंट को मतलब मुंह से बदबू आएगी, बेड ऑडर होगा। ठीक है, फीवर भी इसमें देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन है। ओके, म्यूकोप्रूलेंट, यहाँ पे नेजल डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, लाइक जो म्यूकस जो डिस्चार्ज होगा उसके साथ क्या होगा? पस का भी डिस्चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन कंडीशन है, तो कहीं पे अगर वो इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पस का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे म्यूकोप्रूलेंट नेसल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ओके, सो इसके बाद साइनस सिम्टम्स के बाद अपन डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट की जो है नोज है उसको ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट से आंसर लेंगे अपन, उनसे जो मतलब जो सब्जेक्टिव डाटा है वो कलेक्ट करेंगे पेशेंट, वो बताएगा उसको कहाँ पेन फील हो रहा है। ठीक है, तो उससे पेशेंट की हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट के बाद जो डायग्नोसिस है वो होगा राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी का मीन होता है विजुअलाइजेशन ऑफ नोज या नेजल केविटी। ठीक है, इसको ऐसा क्यों करेंगे? ताकि जो नोज है, सॉरी, जो नोज है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन में एडिमाई कंडीशन है या जो साइनस ब्लॉक हो रखे हैं उनको देखा जा सके या विजुअलाइज किया जा सके। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या डायग्नोसिस करेंगे? स्वाब कल्चर। ये क्यों करेंगे? टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो जो पेशेंट की नोज है उससे स्वैब करेंगे, सैंपल लेंगे और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, कल्चर कराएंगे, ताकि पॉजिटिव एजेंट का पता लगाया जा सके। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एलर्जी स्किन टेस्टिंग भी डायग्नोसिस में कर सकते हैं। अगर बाय चांस सस्पेक्ट है कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हुआ है तो उसमें क्या डायग्नोसिस करेंगे? एलर्जी स्किन टेस्टिंग। ओके, नाउ अगर इसके जो मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में अगर क्या देंगे? अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए क्या देंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी। ओके, और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल भी दे सकते हैं, बट यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो खुद से मतलब 7 से 10 दिन के अंदर खुद से सॉरी ठीक हो जाता है या रिलीव हो जाता है, इसलिए एंटीवायरल ड्रग्स मोस्टली नहीं देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स देंगे नेजल डी कंजेस्टेंट। ठीक है, अगर पेशेंट को नेजल कंजेशन शिकायत है तो उसमें नेजल डी कंजेशन देंगे ताकि जो म्यूकस अंदर जमा हो रखा है वो बाहर आ सके। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद इसमें देंगे एंटी हिस्टामिन। अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रखी है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिन देंगे। ये क्या करेंगी? हिस्टामिन के रिलीज को या सीक्रीशन को ये ब्लॉक कर देंगी। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद जो है एनाल्जेसिक देंगे, अगर पेशेंट के पेन हो रहा है ठीक है ब्लॉकेज की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, तो उसको रिलीव करने के लिए क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स। ओके नेक्स्ट इसके बाद बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है वो होता है एंट्रम पंक्चर। ठीक है, तो एंट्रम क्या होता है, एंट्रम किसी चेम्बर या केविटी को बोलते हैं। अगर किसी बॉडी किसी बोन में किसी चेम्बर या जो केविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में करते क्या है, जो नोज के अंदर जो ये साइनस है यहाँ पे जो ओपनिंग ब्लॉक हो रखी है ठीक है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट कराते हैं और उससे जो ये ओपनिंग ब्लॉक है उसको पंक्चर करके ओपन कर देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे म्यूकस जमा हो रखा है उसको ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड कि इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, एक ट्यूब या कैनूला इंसर्ट करते हैं यहाँ पे ओपनिंग में, और जो यहाँ पे ओपनिंग है उसको पंक्चर करके जो अंदर म्यूकस जमा हो रखा है उसको ड्रेन बाहर की तरफ ड्रेन कर लिया जाता है। ओके सो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एंट्रम पंक्चर। सो ये साइनसाइटिस की कंडीशन हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू।